डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारी फिन की असाइनमेंट है, फिन डबल टू की जो असाइनमेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस की, उसके बारे में। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। वो हमें कहता है कि जी वैक एक बहुत अच्छा टूल है, एनपीवी एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमें उसने डेटा दिया है। मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन की तरफ आने लगा हूँ ताकि हम जो है वो इसको सॉल्व कर सकें। तो देखें, बात ये है कि अगर आप आए ना, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जी वैक कैलकुलेट करें, तो ये आपको परसेंटेज इक्विटी की दी गई है वो लेंगे, ये उसका रिटर्न भी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया गया, ये दी गई है डेट की, ये लेंगे आप, ये ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, और ये वन माइनस टी टैक्स लेंगे, और ये आर डी लेंगे, इसमें पुट करेंगे, वैक निकल आएगी। अब आपने यहाँ पे लिखनी है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जितनी भी कैश फ्लोज है उनको डिस्काउंट बैक करके आपने एनपीवी निकाल लेनी है। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा, जो आप एनपीवी निकालेंगे आप उसको इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप पहले पार्ट को करेंगे। अब वो कहता है जी आप निकालें ईवीए इकोनॉमिक, यार इसको निकालने के बड़ा ही आसान सा तरीका है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, वैक से मल्टीप्लाई करें, ईवीए निकल आएगी, ठीक हो गया। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। क्लासेस के लिए भी मैं क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। इन द कॉन्सेप्ट, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इवेल्यूएशन, और उसके अलावा एलएमएस एक्टिविटीज के लिए भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हम एलएमएस एक्टिविटीज भी देते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट की एलएमएस एक्टिविटीज चाहिए तो वो उसके लिए भी आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, तो जरूर आपकी वो हेल्प की जाएगी। तो फॉर एलएमएस एक्टिविटीज भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। तो ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेल्यूएशन मेथड्स, इफ सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, इफ वी सेलेक्ट द प्रोजेक्ट हाउ विल इट, देखें अब हम देखेंगे कि हम अपनी जब ईवीए और एनपीवी निकालेंगे तो अगर वो पॉजिटिव होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और ये हमारी फर्म की वैल्यू को कैसे एनहांस करेगा, देखें ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करेगा, और शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करेगा तो हम इसको क्या, इस फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से जुड़े रहें, इस फाइनेंस के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपका हामी नासिर।